गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जून मंथ के करंट अफेयर में आप लोगों का वापस स्वागत है। तो 1 और 2 जून की करंट अफेयर के बारे में हम बात करेंगे। आज 2 जून है तो 1 जून की भी करंट अफेयर इसी में ही कवर करेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या क्या नया हुआ 1 और 2 जून को। और ये जो जून मंथ की करंट अफेयर है, इसमें जब वीकली करंट अफेयर हो जाएगा तो मैं एक कंपाइलेशन आप लोगों को सक्सेस मंच पेज PDF के रूप में प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ से आप लोग पूरा अच्छे से अपना PDF यहाँ पढ़ सकते हो। और ये श्योरिटी है कि इसके अलावा आपको कहीं और करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं MCQs तो बता ही रही हूँ आप लोगों को, साथ के साथ इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे रही हूँ, तो ताकि आपका प्री के साथ साथ मीन्स भी साथ में कवर हो सके। तो चलिए देखते हैं जून मंथ में क्या नया है हम लोगों के लिए। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि रीस्टार्ट जो कार्यक्रम है वो कहाँ शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में, जिसका हमें करेक्ट आंसर दिया है राधिका गुप्ता जी ने। और उनका जो मैंने नाम, जैसे कि आप लोगों से कहा था, जो मुझे सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मैं अपने वीडियोस में शो करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं जून के करंट अफेयर। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति की है? तो ये की है ईरान को। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ईरान ने। यहाँ पर कंपनी ने लैटिन अमेरिका देश पेरू को 10 टन कवकनाशी मैनकोन जेब का निर्यात किया है और अगले एक सप्ताह में 12 टन निर्यात करने वाली है। HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मेलाथियन टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। पिछले सप्ताह तक 67 टन मेलाथियन टेक्निकल का उत्पादन आपूर्ति की है। मेलाथियन टेक्निकल एक तरह की कीटनाशी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, जिसको पकड़ा भी कहते हैं, प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर लॉन्च किया है, विमान बनाया है? तो ये बनाया है रूस ने। रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहा है और इसमें स्टेल बॉम्बर ऐसी ही उन्नति इसने की है। यह है वम वर्षक विमान सुखोई 57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और ये नवीनतम तकनीक के उपयोग से बना हुआ है। और रूस जो है वह भारत के रक्षा साझेदारों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने एडवांस आरक्षण की अवधि जो 30 दिनों की थी वो बढ़ाकर कितने दिनों की कर दी है? तो वो कर दी है 120 डेज की। आरक्षण का ये प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। ये 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है, जबकि 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू होगा। ये प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह 8 बजे से लागू होगा, मतलब कि ये लागू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पे है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है रोजर फेडरर। यहाँ पर स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार है रोजर फेडरर, जिनकी जो कमाई है 106.3 मिलियन डॉलर के साथ ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया और फर्स्ट पोजिशन पर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशहूर उर्दू लेखक व्यंगकार मुस्तफा हुसैन का हाल ही में किस शहर में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हैदराबाद में है। इनके बारे में क्यों चर्चा में है ये ध्यान लेते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो नागरिक संशोधन कानून चल रहा था इसके विरोध में प्रदर्शन के दौरान ये चर्चा में थे। इन्होंने पद्मश्री सम्मान लौटाने की घोषणा की थी जो इन्हें 2007 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली लगातार कौन से वर्ष टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो लगातार चौथे साल, मतलब कि 4 साल से लगातार विराट कोहली टॉप 100 में शामिल हो रहे हैं। 2019 में उनकी कमाई थी 173.3 करोड़ रुपए, तो ये 100वें नंबर पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस पूर्व वर्ल्ड चैंपियन का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है? तो ये भेजा है मीरा भाई चानू के लिए ये भारोत्तोलन महासंघ ने भेजा है ये नाम।
और मीराबाई चानू को 2018 में विराट के साथ ही प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद रजा ने लद्दाख के करगिल में कितने किलोवाट क्षमता का पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है 7 किलोवाट। यहाँ पर 5 किलोवाट, सॉरी 5 आएगा आंसर, गलती से 7 हो गया। ये सोलर लिफ्ट जो संयंत्र है प्रोटोटाइप है जो सिंचाई के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों की समस्या को हल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मई पूरे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो दिवस जो है वो हम अलग से, मैं एक प्रॉपर एक आपको पीपीटी बना के दूंगी ताकि आपको ये पूरा अच्छे से लर्न हो जाए। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की लोग और उस और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रंप ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की जो कठपुतली बन चुका है, और WHO ने WHO अमेरिका की तुलना में बहुत मामूली फंड देता है, इसलिए उसने संबंध खत्म करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी का नाम नामांकित करने की घोषणा की है? तो ये की है रोहित शर्मा ने। वो की थी भारोत्तोलन के लिए, ये की है यहाँ पर क्रिकेट के लिए। तो रोहित शर्मा का नाम किया है, ये ओपनर खिलाड़ी है रोहित शर्मा, और 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित, यहाँ सिर्फ नामांकित किया गया है, मिला नहीं है, ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। साथ ही ईशांत शर्मा, शिखर धवन और महिला टीम की खिलाड़ी दीप्ति शर्मा का नाम भी अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। जब मिल जाएगा तो इनकी लिस्ट या इनके वीडियोज मैं अलग से आप लोगों को बना के दूंगी। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने 2 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा है? तो ये है SpaceX। यहाँ पे ऐसा पहली बार है जब अमेरिका की जमीन से मानव को कक्षा में भेजा गया है, एक ये दशक में पहली बार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए राज्य और पेरेंट्स की सलाह के बाद कब शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला किया है? तो अभी तो ये फैसला जुलाई 2020 में किया गया है, बट देखिए आगे आगे होता है क्या। सरकार ने लॉकडाउन जो 5.0 की घोषणा की है, इसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। तो ये चीज कोड वर्ड के रूप में इन लोगों ने यूज की है ये टर्म्स। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क परियोजना के लिए 17.7 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र राज्य में सड़क के लिए इन्होंने मंजूरी दी है। इस सड़क परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कों और 11 राजमार्गों को दोहरी लेन में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये था कल 1 जून को, मतलब ये विश्व भर में परिवार में माता पिता पर समर्पित है ये दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में अग्निप्रस्त मिसाइल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो अग्निप्रस्त मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है INS कलिंग पर, ये आप याद रखेंगे, अग्निप्रस्त मिसाइल पार्क की आधारशिला INS कलिंग पर रखी गई है। हाल ही में किस राज्य को भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये दी है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। इस मिशन का जो मेन मोटिव है वो राज्य में हर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। और ये जो मिशन के हैं, जो हमारी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इस पे भी मैं एक नया वीडियो लेकर आने वाली हूँ, नई वीडियो सीरीज शुरू करेंगे कि जितने भी हमारे सरकारी मिशन हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें क्या खास है और एग्ज़ाम में हम उसे क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी मैं एक नया वीडियो सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का यहीं पे ख़त्म होते हैं करंट अफेयर। तो आज का सवाल है आप लोगों के लिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस फाउंडेशन का गठन किया है? WHO कोरोना फाउंडेशन, WHO फाउंडेशन, WHO मिनी फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ कोरोना। तो आपको इसका आंसर देना है, और जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मैं आप लोगों को यहाँ पे शो
करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।